हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट आउट हुआ है BIS की तरफ से, एक नवरत्ना PSU आप सभी लोगों को पता ही होगा, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट है, एक न्यू वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो देखो टोटल वैकेंसीज आपकी 100 होने वाली हैं और काफ़ी बेहतरीन रिक्रूटमेंट साबित हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। 100 वैकेंसीज हैं आप सभी लोगों के लिए और जो सैलरी मिलने वाली है आपको 40,000 से 50,000 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए कोई भी आपको फी पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है आप सभी लोगों के लिए। अब देखो इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो, एलिजिबल कैंडिडेट हो, आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकें, रिमेनिंग स्टूडेंट यहीं पर वीडियो छोड़ के जा सकें। तो देखो दोस्त, अगर आपने BE BTECH कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। BE BTECH भी अगर मैं पर्टिकुलर ब्रांचेस की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और एक दो ब्रांचेस और हैं, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। केमिकल भी हो गया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल और केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और EC, ये सारी ब्रांचेज एलिजिबल हैं। CS भी इवन एलिजिबल है, ठीक है। तो चलो मैं आगे बताता हूँ क्या क्या होने वाला है। देखो यार, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, वो आगे वीडियो कंटिन्यू करना, इस एलिजिबिलिटी में फिट होते हो तो आगे जाना, ठीक है। चलो मैं आगे बताता हूँ। देखो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर दोस्त ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए वहाँ पर बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आपको हर अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। तो जाके उसे ज्वाइन कर लेना और आप ही का फायदा है, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, हम सभी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त टेक्निकल चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करना आप सभी लोगों को। चलो फिर मैं आगे दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो ये BIS का आपका नोटिफिकेशन है, इसकी देखो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वो हर एक की तरह इसमें भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि आपको लिंक कहाँ मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ दे रखा है नंबर, पोजीशन, 100 वैकेंसीज होने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, केवल इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, कोई रिटन टेस्ट नहीं है इसमें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे दे रखा है 35 साल की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तो 35 साल के अंडर में शायद मुझे लगता है सभी आएंगे। और फिर उसके बाद में एज रिलैक्सेशन भी है, 3 साल OBC के लिए और 5 साल SC ST कैंडिडेट के लिए होने वाली है, ठीक है दोस्त, ये एज रिलैक्सेशन की बात है। अब देखो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है, आपका टेस्ट रिपोर्ट वगैरह सौंपनी है, आपको पता ही है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस देखो 2 साल का होना चाहिए, डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी है और इसको कह सकते हैं आपको अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो वो भी चल जाएगा, ऐसा कोई बात रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जॉब लोकेशन क्या है, ग्रेजुएट लोकेशन को ऑल ओवर इंडिया कहीं भी दिया जा सकता है जहां BIS का सेंटर होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपका सिलेक्शन प्रोसेस टोटली ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू के होने वाला है, कोई रिटन टेस्ट इसमें नहीं होने वाला है, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपके जो मार्क्स वगैरह होंगे, अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए तो भाई टेस्ट कंडक्ट करा देंगे। वैसे लास्ट टाइम इन्होंने रिटन टेस्ट नहीं लिया था, उससे पहले भी रिटन टेस्ट नहीं लिया था, अब तक इन्होंने रिटन टेस्ट नहीं लिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है, 2 से 3 साल के लिए आपकी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। लेकिन दोस्त एक बात बता दूं, BIS में अगर आपने 1 साल भी जॉब की या फिर 6 महीने भी किए तो आपको बहुत बेहतरीन सैलरी मिलती है, बाद में किसी भी टेस्टिंग कंपनी में जाओगे एज अ क्वालिटी इंजीनियर तो बहुत बेहतरीन जॉब हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए, रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपकी बेहतरीन जॉब की तैयारी चल रही है, आप PSU वगैरह का एग्जाम क्रैक कर सकते तो छोड़ देना, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आपको जॉब चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हो तो दोस्त जरूर अप्लाई करना, ठीक है। रिन्यूमरेशन TA DA सब कुछ मिलेगा आपको, लीव आपको 8 दिन की मिलेगी इन अ कैलेंडर ईयर, जो आपको मतलब है, वैसे सरकारी छुट्टी होती है तो मिलेगी। और कोई फुल टाइम बेसिस पे आपकी जॉब नहीं है, द एंगेजमेंट इज ऑन फुल टाइम बेसिस एंड ग्रेजुएट शैल नॉट टेक एनी असेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, तो फुल टाइम की आप मत सोच के चलना है इसमें, ठीक है। और ये सब कुछ ले रखा है कि ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो 30 दिन पहले बता देना कि हम छोड़ना जाना चाहते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आपको सबमिट करना है और इसकी कोई भी फीस पे नहीं करनी है आपको, नो फीस इज रिक्वायर्ड। और आपकी जो इसकी अप्लाई करने की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो डायरेक्टली आप जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ही देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन सी एलिजिबिलिटी है, कौन सी ब्रांच अप्लाई कर सकती है। देखो फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, मेटलर्जी, माइनिंग इंजीनियरिंग, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 100 वैकेंसीज आउट हुई है। ये देखो आपको पता ही होगा BIS को हॉलमार्क देती है, तो ये उसी की तरह की आपकी वैकेंसीज होने वाली है। तो 2 साल में आप ये समझ के चलो ट्रेनिंग पे जा रहे हो और आपको सैलरी अलग से मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं गिवन है, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई कहीं भी डाउट हो तो दोस्त जरूर से पूछ लेना, जिससे कि आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और फॉर्म फिल जरूर कर देना और भरने से पहले एक बार इसका एडवर्टीजमेंट पढ़ जरूर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां तक के लिए दोस्तों पढ़ाई करते हो हर टाइम, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।